नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम बात करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जी हाँ, सवाल यह है कि क्या उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया या नहीं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, 2014 की बात है। 2014 में जब सबको लग रहा था कि जो है बीजेपी पावर में आने वाली है और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो होंगे वो होंगे मिस्टर आडवाणी जी, लेकिन एक हवा बन गई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उनका जो एक विजन था बिना किसी, उनका काम बोल रहा था, तो पार्टी में कहीं ना कहीं। और अच्छा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक एरोगेंट या घमंडी टाइप का भी एक उनका था ऐसा कि पार्टी में इस टाइप के हैं वो, तो उनको कैंडिडेट के रूप में सामने लाना पार्टी में जो पावर में लोग थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती का बात था। लेकिन आम जनता की, यूथ की, सबकी डिमांड थी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए। और ये इतने बड़े ब्रांड मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जस्ट लुक एट हिम, इतने बड़े ब्रांड बन चुके थे। ये बीजेपी से भी बड़े ब्रांड बन चुके थे उस टाइम पे। तो बीजेपी एज अ पार्टी को प्रमोट ना करके नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में जो है प्रमोट किया गया, तो उसके बाद जो है बीजेपी पावर में आई और किसी भी तरीके से जो है जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं हुई, अपनी दम पे जो है पावर में आई। तो पूरी दुनिया की नजर जब इस जगह पे थी, वही मेरी नजर कहाँ पे थी? मेरी नजर थी उनके बालों पे। जी हाँ, इन सब चीजों पे तो खैर मुझे नजर था। तो मैं जब ये गौर करता था कि पहले के बालों उनके, मतलब 2014 में इनिशियल बहुत ज्यादा राजनीति में उस टाइम पे इंटरेस्ट लेने लग गया था, ठीक है, तो मैं ये गौर करने लगा कि उनके बाल में पहले देखता था, मतलब इतने उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी जो हैं हाईलाइट एकदम से हुए, तो मैंने गौर किया कि इनके तो बाल पहले थे नहीं। ये आप देख सकते हैं इस पिक में, सामने से बाल मन को इनके गायब दिखते थे, लेकिन उसके बाद मैंने अचानक गौर किया कि उनके सामने के बाल आ गए। फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है। अब आप बोलेंगे कि कहाँ से प्रूफ करवाई, कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, ये आप इस पिक को देखिए। इसमें आपको दिख रहे होंगे सामने बिल्कुल भी बाल नहीं है। ये देखिए इनके थोड़ी जवानी के दिनों के जो है पिक है, इसमें भी आप देख सकते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन है इनकी। और इस पिक में आप अलग ही देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सामने के एरिया में जो हेयर लाइन है ही नहीं, बट यहाँ पर आपको हेयर लाइन दिख रही होगी। इस पिक में भी आप देख सकते हैं बेसिकली कि इनकी जो है बॉल्ड एरिया है, सामने ज़्यादा बाल है ही नहीं। इस पिक में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का मेरा हेयरलाइन बना हुआ है, करीब करीब थोड़ा सा उससे ज़्यादा ये जो बी शेप में जो है इनकी हेयरलाइन डिज़ाइन की गई है। तो मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि शायद 1500 से 2000 के आसपास जो है इनको ग्राफ्ट लगा हुआ है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाएं या ना करवाएं, तो भाई देख लो भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया है, तो आपको अगर करवाना है तो करवा सकते हो। लेकिन इसको इस चीज़ से लेकर कनेक्ट नहीं मत कीजिएगा कि भाई इस एज तक इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन टिका हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में इन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन 2007 के आसपास जो है ये थोड़ा सा इनको लोगों की नज़रों में आने लगे थे कि इनके बाल जो है वापस दिखने लगे थे, तो उसके आसपास जो इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 2007, और अभी करीब करीब ये 2018 चल रहा है, तो करीब करीब 11 साल हो गए हैं। तो 11 साल के आसपास जो है हो चुके हैं और इनके बाल अभी भी रुके हुए हैं, तो ये आप और हमारे जो है लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इनकी डाइट बहुत अच्छी है, योगा करते हैं, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये बोलना चाहूँगा, पूरे देश का टेंशन स्ट्रेस भी इनके ऊपर है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक बहुत अच्छा सूचना है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन 10-11 साल बाद भी अच्छे अभी भी टिका हुआ है। तो आप और हमारे अगर 15-16 साल भी टिक जाए, 18 साल भी टिक जाए, तो बहुत सक्सेसफुल है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और चटपटे वीडियोस पाने के लिए वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप मेरा वो वीडियो देख सकें। अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।